हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्टार्टिंग के वीडियोस में ही आपने सुन लिया है इसकी तारीफ़ कि ये जो पानी पूरी है वो कितनी टेस्टी लगी है खाने में मेरे फैमिली मेंबर्स को। दोस्तों, आज मैं इस पैकेट से पूरी बनाऊंगी और आपको बना के दिखाऊंगी कैसी बनती है ये पूरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पानी पूरी जो होती है पूरी, उसका ये पैकेट है, ये ओवल शेप में हमें पापड़ मिलते हैं इसमें, और ये पिंकू कंपनी का है ये। और इस पैकेट को मैंने अपने घर के पास के किराना स्टोर से लिया है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। देखिए, नेट वेट इसका 1 kg है और इसमें लिखा है क्रिस्पी टेस्टी पापड़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। और अभी कुछ ही महीने पहले ये इसकी MFG डेट है और रुपीज़ है 110 लिखा है। इस पैकेट में सब मेंशन दिया हुआ है, इसकी प्राइस है 110, लेकिन 100 rupees में आपको ये शायद मिल जाएगा। हमारे पास के जो किराना स्टोर है वहाँ का जो ओनर है, उन्होंने हमें 100 rupees में दे दिया है ये पैकेट को। और आप चाहे तो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी मिलता है ऐसे पापड़ पूरी के, और उसमें भी आपको प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों, 100 rupees में आपको 400 से ज़्यादा इसमें आपको पूरीज मिलेंगी। मुझे इसमें 437 पूरीज मिली है मैंने जब काउंट किया है तो, और काफ़ी सारी पूरीज मिलती है। और इस पैकेट से आप 3 से 4 बार इस पूरी को घर पर इसका तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 बार आप पानी पूरी बनाकर घर पर खा सकते हैं। बस इसमें आपको मसाला नहीं मिलेगा, आपको अलग से मसाला लेना होगा। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसकी जो पूरी है इसमें आप को फूली हुई पूरी मिलती है, टेस्टी मिलती है और क्रिस्पी होती है, कुरकुरी, और सारी की सारी आपको फूली हुई मिलेंगी। आपको ऐसे तलते टाइम आप फूटेंगी नहीं ये पूरी। अगर हम जो रेडीमेड पूरी लेते हैं तो काफ़ी सारी पूरी हमें फूटी हुई मिलती है, और अगर टेस्ट की बात करें तो ये पूरी और जो हम रेडीमेड लेते हैं वो दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा खाने में। आपको उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा, आप बाकी सब पूरी भूल जाएंगे जब आप ये पूरी खाएँगे। तो चलिए, सबसे पहले इसे तल लेते हैं। दोस्तों, तलने के लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो तेल है उसे आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और धुआं नहीं फूटना चाहिए, नहीं तो जो पूरी है वो बहुत जल्दी फूल कर लाल हो जाएंगी और इस वजह से उसका जो टेस्ट है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए आपको पहले तेल को गर्म कर ले और फिर गैस की आँच कम रखते हुए आपको पूरी तलना है, और 4 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना तले, नहीं तो एकाध पूरी नहीं फूल पाएंगी और उस वजह से आपको लगेगा कि भाई पूरी में फॉल्ट है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी एक साथ 4-4 पूरियाँ डाल कर तल सकते हैं। और तलने के टाइम दोस्तों आपको चम्मच से उसे हिला लेना है, पलटा लेना है, और सारी पूरियों को थोड़ा सा हो सके तो आपको तेल भी छिड़क देंगे तो और अच्छा होगा, और बहुत जल्दी काफ़ी सारी पूरियाँ आप तल सकते हैं। इस तरह से आपको तलना है। और ये देखिए, ये पूरियाँ कितनी अच्छी दिख रही है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखिए कुछ पूरियाँ तली है, जितना हमारे घर में हमको खाना है उतना ही मैंने तला है, बहुत ज़्यादा नहीं तले है। और अभी भी काफ़ी सारी पूरी अभी भी बची हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि 400 से ज़्यादा पूरी हमें मिलती है इसमें, तो आप 3 से 4 बार इस पानी पूरी का मज़ा ले सकते हैं इस पूरी से। अभी भी काफ़ी सारी पूरी है। अब इसको आपको टाइट कंटेनर में रखना है, जो एक्स्ट्रा की जो पूरी है जो आपने नहीं तले है उसे आप टाइट कंटेनर में रख के काफ़ी दिनों तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आवाज़ भी सुन लिया होगा कि कुरकुरी और क्रिस्पी है एकदम पूरी ये। यहाँ पर मैंने इसमें पूरी में डालने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और इसे उबाल लिए हैं, और उसके अंदर भरने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तीखा हम लोग नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई एक प्याज लिया है और नमक और सांभर, बस इतनी चीज़ें मैं डाल कर इसे मीन लेना है, हमें हाथों से हमें मैश कर लेना है।
हाथों से अगर आप मैश करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। तो पहले आप हाथों को धो ले, साफ़ कर ले, और उसके बाद इस तरह से आप इसका आलू का भरता जिसे कहते हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा भी आप इसे मैश ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ कुछ आलू उठे हुए रहते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। और इसमें आपको मैंने पहले बताया दोस्तों कि ये सब पैकेट में मुझे मसाले नहीं मिले हैं, इस वजह से मैंने एवरेस्ट का पानीपुरी वाला पैकेट लिया है, उससे मैं तैयार कर रही हूँ पानी। और थोड़ा मीठा करने के लिए मैं 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। और बस दोस्तों पानी हो गया है तैयार। दोस्तों अगर आप ये पूरी को अपने घर पर लाते हैं और बनाते हैं तो हम अपने घर का तेल यूज़ करते हैं, उस वजह से ये पूरी बहुत बढ़िया और फ्रेश होती है, जिस वजह से हमारी फैमिली भी खा सकती है और बीमारी से भी हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। साथ ही जो पानी होता है वो भी घर का ही होता है फ्रेश। तो इसकी जो ये जो पूरी है उसकी जो पपड़ी है वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेंगी। अब दोस्तों पानी पूरी बनकर तैयार हो गई है, आपने देख ही लिया है। और यहाँ पर मैं पूछती हूँ अपने फैमिली मेंबर से कि कैसा बना है, उनका क्या है रिएक्शन। तो ये है मेरी फैमिली और ये है मेरे हस्बैंड, और ये लिए है प्लेट में और चाह रहे खाने। पहले ये खा लेते हैं उसके बाद ही पूछेंगे। तो पहले बच्चों से पूछ लेते हैं कैसा बना। अब कुछ खास नहीं है। हाँ सच में? चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। नहीं अच्छा अच्छा। अडुगू कैसा है? अच्छा। और आप बताइए। बहुत बढ़िया है, मेरे लिए माइक लो सामने। अच्छा माइक। तो पानी पूरी दीपिका जी आपने एक नंबर बनाया हो। और ये जो पैकेट्स था पूरी का, जो पैकेट्स हमने लाए हमारे नज़दीक पास के किराना स्टोर से, तो करीबन आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों 350 से 400 पूरी उसके अंदर थी, पैकेट के अंदर था। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप अभी ये जो टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में जो बीमारी चल रही, इस दौरान आप लोग इसी तरह का पैकेट्स किराना स्टोर से जाके ले सकते हो, क्योंकि अपनी फैमिली को आपको सेफ रखना है और खाने पीने में भी कोई कमी ना आए, तो इस तरह के पैकेट्स आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा। तो सेफ रहिए और खाते पीते रहिए।